I'm sorry. अंधे हो क्या? I said I'm sorry. नूर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था. तुम 5 साल तक कहाँ थे? और उस रात को क्या हुआ था? आदिल कहाँ गायब हो गया? और शायरा भाभी कहाँ है? वो कैसी है वो? तुम पुलिस में हो? नहीं ना, तो फिर इंटरोगेशन क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अजान भाई को इस सबसे फर्क. कम से कम अपनी बीवी के सामने तो मुझसे फ्लर्ट मत करो. फ्लर्ट? रूबीना, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था. मैं तो बस, मेरा ये मूड दुखी ना. रूबीना, सॉरी खालिद, इस वक्त मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती. पागल है क्या? जान निकाल दी थी हमारी. तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. आहिस्ते बात कर. बातें दिल में खिंचाती है. अरे लेकिन ये बात अभी करनी जरूरी है. बोलो. नूर 5 साल बाद यहाँ वापस लौटी और उसने पूरा का पूरा बेगम महल खरीद लिया. तूने मुझे ये बताने के लिए आधी रात को उठा है? बात नहीं, बात के पीछे छुपे राज को समझने की कोशिश कर. ऐसा राज यही, उसके पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से और उसका यहाँ आने के पीछे मकसद क्या है? जो भी मकसद है सुबह बात करेंगे. अभी मुझे सोना. रे रे रे, नहीं 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 नहीं, सुबह नहीं, अभी से. जो भी है हमें अभी सब पता लगाना पड़ेगा. ये क्या है? जरूरी सामान. और सुन, ये मिशन राज रहना चाहिए. किसी को इसके बारे में पता नहीं चले, इसीलिए हम एक दूसरे को अपने नाम से नहीं बुलाएंगे. इस मिशन के लिए मैं रॉबर्ट और तू बल्ला. और नूर क्राइम मास्टर को. नहीं, नूर तेजा. चल चल जल्दी काम पे लगते. चल चलो. अरे आ गए नवाब साहब. बाबू सर, आप क्यों इतनी पीते हैं? यार ये कितनी बार समझाए, ये सर्वर मत बोला कर. वैसे आज कैसे आना हुआ यहाँ? वो पैसों की जरूरत थी. अरे पैसों की जरूरत तो सबको रहती है अजान मियाँ, लेकिन हर काम हर किसी के लायक नहीं होता. अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. रूबीना, मेरी बात सुनो. तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो कैसा है? हाँ बताओ हमें. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम उससे बात क्यों कर रहे थे, वो भी उसके कंधे पे हाथ रख के? हाँ देखो खालिद, सच सच बताओ हमें कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है. कोई रिश्ता नहीं है रूबीना, मेरा यकीन, अल्लाह पाक की कसम हम सच कह रहे हैं. कोई रिश्ता नहीं है ना, तो आज के बाद उससे कभी बात मत करना. और अगर ये नजरें उठाकर देखी ना तुमने उसकी तरफ, तो अल्लाह की कसम खा रहे आंखें नोच लेंगे तुम्हारी. वो लड़की नौकरानी की बेटी, नफरत है हमें उससे. बदसूरत. सॉरी
वो सब तो ठीक है रुबीना, लेकिन मैं किस एंगल से बदसूरत दिखती हूँ? खालिद, अब तुम ही बताओ क्या मैं बदसूरत हूँ? अब वैसे खालिद, तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया? अच्छी खासी थी पहले तो, नहीं मतलब निकाह के वक्त ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें से कोई बेटर नहीं मिली क्या? एक्सक्यूज मी, इससे बेटर नहीं मिली का क्या मतलब है? हम में कमी क्या है? हाँ, अक्ल, शक्ल, नैन, पढ़ाई लिखाई, अदब, सलीका, तमीज, हाँ मेरी उंगलियां कम पड़ गई लेकिन कमियां कम नहीं हुई। तुम कहो तो मैं और सुनाओ, गिनवाओ। देखो तुम ना, आवाज नीचे, मेरे घर में कोई चीखे चिल्लाए ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। अगर मेरे घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना मैं तुम दोनों को यहां से बाहर फेंक दूंगी। वैसे नौकर कहाँ है? अब हम बुला देते हैं ना। दिलरुबा, मोटू पतलू ने, अजान कहाँ है? नूर, अजान भाई के बारे में इस तरीके से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे दिलरुबा और माशू का तक को हमने कभी इस घर में नौकर कहकर नहीं पुकारा, और तुम अजान भाई जान। खालिद, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सलाह तब देनी चाहिए जब किसी ने मांगी हो, वरना मुंह बंद रखा करो, जैसे अपनी बीवी के सामने रखते हो। एनीवे, मुझे भूख लगी है। खाना हम मंगवा देते हैं ना? खाना आप क्यों जहमत कर रही है, हम मंगवा देंगे। ओके, और जो पैसे बच जाए वो उसे टिप समझ के रख लेना। अब एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ आ तो गई हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ वापस से ट्रैक पे लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। पता है खालिद की जो बीवी है ना, वो इतनी बड़ी लालची और बदतमीज औरत है कि क्या बताऊं। कौन? अजान? नहीं, वो घर पे नहीं है। पता नहीं इतनी रात में अपनी अम्मी को छोड़ के कहाँ गया है और क्या कर रहा है। हाँ तो दोस्तों, आज फिर हम पेश करते हैं आपके सामने हमारे रॉयल नाइट के रॉयल एंटरटेनर अजान अख्तर मिर्जा।
एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? देखिए प्लीज नवाब साहब को परेशान मत कीजिए। जब दे रहे हैं ना, क्यों नवाब साहब? और टिप चाहिए? Back off and don't touch me. How dare you? नवाब होगा अपने घर में, यहाँ भोपाल में कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, समझे? सारा मूड खराब कर दिया, चल गाओ। और हाँ, इस बार है ना कोई ढंग का गाना गाना, इतना मत भूलना तुम्हारा घर ना अभी बिकते बिकते। Shut up! अजान, रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट कर, आ जाऊँ मैं साथ। तेजा कमरे में नहीं है बल्ला। अरे बल्ला तू है, मैं रॉबर्ट हूँ। याल्ला मतलब है रोबर्ट, अगर हमें कुछ ढूंढना ही है तो हम लाइट चलाकर भी तो ढूंढ सकते हैं ना। तू कौन है? लाइट ऑन मुझे क्या बोल रहा था? लेकिन हम ढूंढ क्या रहे हैं? सबूत। बल्ला, वो देख वहाँ ऊपर कुछ है, चल चल जल्दी चल चल। ऊपर लो, ऊपर लो। याला, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ, ये तो सच में सबूत है। उठा लीजिए तुम। देख देख, ये सबसे बड़ा सबूत है कि तू सही से काम नहीं करती, सफाई नहीं करती, सारा सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है। भी ने अभी तक ये फोटो क्यों संभाल के रखी है? पता नहीं, कोई आ रहा है, चल जल्दी चल। What nonsense! ये क्या तरीका है हमारे गेस्ट के साथ बिहेव करने का? और आपके गेस्ट, ये कोई तरीका है उनका बात करने का? मिस्टर मिर्जा, वो लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं, मैनर्स और एटिकेट्स की क्लास लेने नहीं। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि ये सब बातें क्लब में आम है। और आज जो उन्होंने कहा वो पहली बार तो नहीं कहा, लेकिन जब से तुम इस क्लब में आए हो ना, ये सब होना शुरू हो गया। और फिर आज इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी आपको? I'm sorry, sir. आगे से नहीं होगा। और मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। सर, वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। पहले काम तो ठीक से करो, फिर देखेंगे। और हाँ, ये आज रात की टिप्स तुम्हारी। वैसे नवाब साहब, एक बात बताओ, क्लब में तो ये बातें रोज होती हैं, पर आप चुपचाप सुन भी लेते, तो आज ऐसा क्या हो गया? ऐसा लगा कि कोई पुराना जख्म या कोई पुरानी मोहब्बत ताजा हो गई। पुरानी मोहब्बत नहीं, पुरानी नफरत बाबू सर। आदिल हमारा अफेयर के नाटक से लेके अजान को डिवोर्स पेपर्स भेजने तक सब कुछ नूर हमसे करा रही है। 1,000 करोड़ 10 लाख 1,500 करोड़ मैं ये बेगम महल खरीद रही हूं। पांच हजार एक काम करो, ये चैन ले लो, 1,00,000 के तो बिकी जाएंगे। बाबू सर, क्या कर रहे हैं आप? आप जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप कितनी बार बोल चुके हैं और मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि मैं ये नहीं कर सकता। और अभी के लिए किसी को जवाब देने के लिए 5,000 ही काफी है। क्या दोस्ती का नाटक, वो भी नूर से? हाँ खालिद, तभी तो वो हमारे कंट्रोल में आएगी, हमें अपना दोस्त समझेगी, तभी तो अपने सारे राज हमारे सामने खोलेगी ना। आखिर पता तो चले उसके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से,
कसम से बता रहे हैं, एक बार उसकी कमजोरी पता चल जाए ना हमें, ऐसा मजा चखाएंगे तुम दबा के भाग जाएगी इस हवेली से। और फिर क्या है, उसका सारा पैसा हमारा और ये हवेली भी हमारी। फिर तुम बनोगे भोपाल के नवाब और हम बनेंगी भोपाल की बहू बेगम। और बाकी सब ब्लडी फटीचर्स। क्या बात है, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? हमारा प्लान जोक लग रहा है? जिस नूर की तुम बात कर रही हो ना, बचपन से जानता हूं मैं उसे। अरे अल्लाह पाक नहीं समझ पाए उसे अभी तक, तो तुम हो क्या चीज रूबीना? उसे कंट्रोल करना तो दूर, उसकी मर्जी के बिना ना उसका नाखून तक नहीं काट सकती तुम। जानती नहीं हो तुम उसे। और वो नूर हमें नहीं जानती। नूर, आज रात तेरी इस घर में आखिरी रात है। साल बाद तुझे मेरे जख्मों का जवाब देना होगा नूर।